आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं सेफ साफ के कैसे प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने वाला हूं, जिसका अनुभव मुझे खुद हुआ है और साथ ही साथ वह आप सभी लोगों के लिए भी पर्सनल केयर प्रोडक्ट में, यानी कि आप ऐसे कहें तो ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत ही मेन प्रोडक्ट होता है। तो जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ आज सेफ साफ का नीम एंड टर्मरिक, जो हमारा फेस वॉश है, जिसका कल मैंने अनबॉक्सिंग भी किया था। आप लोगों ने अभी तक उसका अगर अनबॉक्सिंग ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो को देख करके आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं कल जब उसको अनबॉक्सिंग किया तो उसको खोल करके 2-3 बार लगा चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि उसको जब मैंने खोला था तो ये चार जो है दो चार ये चार उसमें फेस वॉश थे। और मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नीम एंड टर्मरिक है जिनकी स्किन थोड़ा सा सफ़ेद है, यानी कि काली नहीं है या सांवली नहीं है, अगर हिंदी भाषा में, देसी भाषा में कहा जाए, थोड़ा गोरे टाइप के लोगों के लिए या साफ त्वचा वाले लोगों के लिए नीम एंड टर्मरिक बहुत ही अच्छी असरदार फेस वॉश रहेगी। तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये फेस वॉश हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसमें क्या कौन से कंटेंट मौजूद हैं। और आप ऐसे देखेंगे तो इसको लगाने के पहले या लगाने के बाद आपको क्या सावधानी बरतनी है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते ट्यूटोरियल की तरफ और जानते हैं पूरे प्रोसेस को। स्वागत तो करो हमारा। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का आज के इस ट्यूटोरियल में। दोस्तों नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश सेफ शॉप का जो मैंने मंगाया है, अगर आपने अभी उसका अनबॉक्सिंग का रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वाले ट्यूटोरियल को वॉच करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं कि पैकिंग में क्या क्या, कैसे कैसे स्लिप होती है, कितने तरह से कैसे उसे खोला जाए या क्या क्या खोलते समय सावधानियां बरतनी होती हैं ताकि आपको सही सामान मिले और क्या क्या उसमें रहता है ये आपको सही जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं फेस वॉश की, तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों हम हों या आप हों, मेल हों या फीमेल हों, हर व्यक्ति की स्किन जो है हर 27 से 28 दिन या एक महीने की तरह के बाद से वो लेयर बदलती रहती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ छत पे पानी की टंकी लगी रहती है, तो पानी की टंकी में से पानी साफ ही आता है नल के माध्यम से, पाइप के माध्यम से, लेकिन जब आप पानी की टंकी में झांक करके देखेंगे तो आपको उसमें गंदगी दिखाई देगी, या देसी भाषा में कहें तो काई दिखाई देगी। तो ये जो काई होती है वो पानी में नहीं दिखाई देती है, टंकी में दिखाई देती है। उसी तरह से जो लेयर होती है, जो हमारी जो लेयर, ये आप जब दाढ़ी बनाते हैं तो फिटकरी के माध्यम से निकलती है, आप जब साबुन से मुँह धोते हैं तो भी ये गंदगी निकलती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी निकलती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप किसी भी प्रकार से अपने मुंह को, फेस को वॉश करते हैं तो ये जो लेयर है ये बनती रहती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके पानी की टंकी में काई का जो होता है, जो गंदगी बनती रहती है, बाहर निकलती रहती है और बनती रहती है, बाहर निकलती रहती है। तो आप ऐसे देखेंगे तो हम अपनी स्किन को सही रखने के लिए ये फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फेस वॉश को इस्तेमाल करने से हमें एंटी फंगल या आप देखें तो एंटी बैक्टीरियल या जो फंगस टाइप का, जैसे अभी मुझे हुआ है तो मैंने इसे ऑर्डर किया है, तो मेरे भी मुंह पे अभी दाने निकल गए हैं गर्मी की वजह से, तो मैंने इसे ऑर्डर किया था और ये मुझे रिसीव हुआ, तो मैं अब इसे लगा रहा हूँ। एक दिन में 3 बार लगा रहा हूँ और मुझे बताया जा रहा है कि आप इसे लगाने के लिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप इसे लगाने के लिए यहाँ पे ना रखें, आप इसे यहाँ पे रखने के बाद से, जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है वो उतने, जैसे आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, जितना टूथपेस्ट लेते हैं उतना ही आप इसे लें, और लेने के बाद से आप जहाँ पर भी रख लें, लेकिन आप इसे ना इस्तेमाल करें बल्कि आप इसे इस्तेमाल करें। जब इसे इस्तेमाल ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये ज़्यादा असरदार करेगा आँखों के नीचे, नाक के नीचे, होंठ के नीचे, गर्दन के नीचे। आप इसको ऐसे ठोड़ी के नीचे आप लगा करके वॉश कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है एक ऐसे कह सकता हूँ कि एक आपको कॉन्शियस भी बरतना होगा, सावधानी भी बरतनी होगी कि अगर आपकी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा आपकी पतली स्किन है या ऐसे कह सकते हैं सेंसिटिव स्किन है, एलर्जी टाइप की आपको दिक्कतें हैं, तो इस जो है फेस वॉश का इस्तेमाल आप थोड़ा सा संभल करके करें या ना करें तो बेहतर है, या किसी फिजिशियन के गाइडलाइन में करें तो बेहतर है। और एक बात इस फेस वॉश में बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, टोटल हर्बल है। कोई इसमें जो है आप ऐसे देखें
तो कोई भी मिलावटी तत्व तो नहीं है। साथ ही साथ आप ऐसे देखें तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही दमदार प्रोडक्ट है सेफ शॉप का। आप भी अपनी वेबसाइट पे जाकर www.safeshopindia.com पे वेबसाइट पे जा करके आप वहाँ पे इसे ऑर्डर कर सकते हैं और मंगवा सकते हैं। और गर्मी में आपको एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या फंगस टाइप का कोई भी अगर आपके चेहरे पे दिक्कत ना हो, आप चाहते हैं तो इसे ज़रूर ऑर्डर करें। मेरे कहने से ऑर्डर करें क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। साथ ही में एक और लेडी है, मैं तो मेल हो गया, एक फीमेल है जो अपना फीडबैक दे रही हैं, तो आइए चलते हैं उनसे भी जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं जयश्री केडकर महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको सेफ शॉप के जबरदस्त बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हाउमा कंपनी का कॉम्बो पैक। ये कॉम्बो पैक में हमें फेशियल के लिए मिलते हैं दोस्तों स्क्रब, उसी के साथ साथ फेस वॉश और उसी के साथ साथ मिलते हैं दोस्तों फेस पैक। ज़बरदस्त, मार्केट से सस्ता लेकिन मार्केट से बेहतरीन ऐसा रिजल्ट देने वाला यह प्रोडक्ट है, जो हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, जो हमारी स्किन को टाइटनेस देता है और हमारी स्किन को एक बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देता है। आप सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने सुना इस लेडी के माध्यम से, इन लेडी के माध्यम से कि इन्होंने अपने यूज़ किया है नीम एंड टर्मरिक का जो फेस वॉश, तो उनको लेकर के प्रोडक्ट को लेकर के इनका क्या फीडबैक रहा, आप मेल से भी जाने फीमेल से भी जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आपका इरादा बन रहा होगा, आप भी अपनी वेबसाइट पर जाएं, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके आज ही नीम एंड टर्मरिक फेस वॉश का रीसेल करें। आप सभी ने अपना बेस्ट समय दिया इस ट्यूटोरियल को वॉच करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। जय हो सेफ टॉप, जय हो अपलाइन, जय हो महागुरु।